हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अपने सिंपल इंटरेस्ट की क्लासेस चल रही थी, उसको मैंने फिनिश कर दिया था। 4 से 5 क्लासेस अपन ने उसकी की थी और उम्मीद करूंगा कि आपने उसे सारी क्लासेस देख ली होगी। सिंपल इंटरेस्ट को मैंने एक 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक करवाया था, उसमें देख लीजिएगा सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आज की क्लास है अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आज 10 क्वेश्चंस लिए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी हैं और थोड़े कुछ घूमे हुए क्वेश्चंस भी हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको, और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 12,500 रुपये की राशि है 10% की दर से 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी? यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है आपसे, आपको रेट दे रखिए 10%। तो देखो 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। आपको टाइम गिवन है कितना, 2 ईयर्स, ठीक है। पूछ रहे हैं आपको सीआई और प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, आपको 12,500 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें अपन करने के 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका अपन कौन सा करेंगे, रेशो वाला करेंगे। यानी प्रिंसिपल से अमाउंट वाला रेशो का तरीका क्या होता है, 10। अगर देखो ये रेट क्या होती है, रेट आपको पता है कि 1 साल का ब्याज किस पर, मूलधन पर। 1 साल का ब्याज मूलधन पर, तो मूलधन कितना है, 10 है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 और 1 11। अब 2 साल की बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंडेड होता है, यानी हर साल सक्सेसिव रूप से चलता है। 1 साल में ब्याज जो होता है वो मूलधन में जुड़ के वापस ब्याज लगता है, यानी कि कंपाउंड रूप से चलता है। तो मैं इसको 10 से 11 एक बार और लिखूंगा, क्योंकि क्या है, 2 साल की बात है, 2 साल की बात है, और ये क्या होता है, सक्सेसिव केस होता है। तो मैं इसको गुणा कर दूंगा, 10 और 10 100 हो गया गुणा में, और 11 11 121, यानी 10 11 11 11 को 11 से गुणा करेंगे 121। चलो ठीक है, तो ये देखो ये हो गया 2 साल का अपने पास क्या, मूलधन। ये हो गया 2 साल का मिश्रधन, ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। चलिए और यहाँ पे क्या है, सीआई क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, 121 में से 100 गए, तो भाई देखो अमाउंट में से प्रिंसिपल कटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। कितना आया, 21 रेशो आ गया। चलिए देखिए, 100 रेशो क्या है, अपने पास प्रिंसिपल है, लेकिन प्रिंसिपल असलियत में कितना है, 12,500 है। तो 100 रेशो अगर है 12,500 के बराबर, तो 1 रेशो बराबर हो जाएगा 125 के। 1 रेशो 125 के बराबर हो गया, अपन को क्या पूछ रहा है, 21 रेशो की वैल्यू। 21 रेशो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो 21 × 125, 21 × 105, 5 10 ऊपर दिया, 21 × 2 = 42, 42 और 10 कितने होते हैं, 52 का 2, 5 ऊपर 21 और 5 = 26, यानी कि 2625 रुपये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, एक बार समझ लो उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ये मैंने लिखा 1 साल का ब्याज मूलधन पर, यानी 10% क्या होता है, 1/10 होता है। तो प्रिंसिपल से अमाउंट 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, 10 से 11 10 से 11। भाई देखो 10 तो हो गया मूलधन और 11 हो गया मिश्रधन, 2 बार हो गया, ये गुणा हो जाएगा क्योंकि सक्सेसिव केस है, 100 और 121। चलिए तो 100 रेशो की वैल्यू अपने पास क्या है, 12,500, असलियत में तो 12,500 है ना, तो 1 रेशो की वैल्यू 125 आ गई। चलो 1 रेशो की वैल्यू अगर 125 आ गई, तो अपने पास देखो अमाउंट ये रहा, प्रिंसिपल ये रहा, इसके बीच का अंतर कितना है, 21 रेशो का, वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने 21 को 125 से गुणा कर लिया, 2625 का आंसर आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखिए, देखिए क्या कह रहा था कि 12,500 रुपये है, बस इसने क्या किया, दर बदल दी, 4% कर दी। अब 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, पहले 10% था अब 4% है, इसको आप खुद कीजिएगा, कितना आसान क्वेश्चन है, 4%, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/25, ठीक है, लिख सकते हैं 1/25। लेकिन देखो इसको मैं रेशो से अगर करने बैठ जाऊंगा तो काफी वो हो जाएगा, देखो 25 से 26, लेकिन आसानी से हो जाएगा 25 से 26। ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट, 2 साल की बात है, गुणा कर लो 625, और 26 का क्या होता है, 676 होता है, सबको पता है इतना, ठीक है। तो 625 रेशो की वैल्यू अपने पास क्या दी हुई है, क्या दी हुई है, 12,500 दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है प्रिंसिपल, तो 12,500 के इक्वल रख दो इसको। अब कट जाएगा किससे, कटेगा 25 से कट गया 25 बार, 25 से कट गया 500 बार, और 25 से कट गया 20 बार, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 20 आ गई, 1 रेशो की वैल्यू 20 आ गई। अपन से क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5, यानी 51। ये 51 रेशो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मैं यहां लिखूंगा सी आई इज इक्वल टू 51 × 20, तो 102 और 0, यानी कि 1020 रुपये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, रेशो वाला मेथड चल रहा है अभी, बीच में और भी मेथड आएंगे, मैं आपको समझाता जाऊंगा। अब देखो मेथड इसके 2 या 3 होते हैं,
कंपाउंड इंटरेस्ट को करने के लिए दो या तीन मेथड अपन लगा सकते हैं, लेकिन अपन को चूज करना पड़ेगा कि अपन कौन सा मेथड कौन से क्वेश्चन में लगाएं, कौन सा सरल पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 16,000 रुपए का 2% की वार्षिक ब्याज की दर से एक साल में अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। यानी कि देखो, दर दे रखी है आपको 2%, लेकिन एनुअली दे रखी है, ईएलडी दे रखी है, लेकिन अपन से ब्याज पूछ रहा है हाफ ईयरली। चलो कुछ भी नहीं है, रेट क्या दे रखी है अपने पास, 2% दे रखी है, लेकिन हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो मैं इसको आधी कर दूंगा, 1% हो जाएगी। ठीक है, टाइम अपने पास दिया हुआ है कितना, एक साल, दो साल, एक साल, लेकिन अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो समय दुगना हो जाएगा क्योंकि 6-6 महीने में बढ़ जाएगा। भाई अगर एक साल ऐसे चलता है उसको अगर 6-6 महीने की बात करेगा तो दो बन जाएंगे ना, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, तो ये मैं 2 साल मान के चलता हूँ, अभी 2 साल मान के चलते हैं, समय दुगना हो जाता है, दर आधी हो जाती है, सबको पता है। चलो, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 16,000 रुपए, और बस हो गया, समय 2 साल हो गया, 1% की दर हो गई, और आपसे वही पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो इसको रेशियो से करने बैठोगे ना तो देखो क्या हो जाएगा, रेट क्या है अपने पास, 1%, 1% का मतलब होता है 1/100, 1/100 होता है, तो मैं अगर 2 साल की बात करूंगा तो 100 से 101 और 100 से 101, अब आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10,000, और ये बहुत बड़ा हो जाएगा कुछ, है ना। तो रेशियो से इसको नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन जल्दी नहीं होगा, तो इसलिए अपन इसको रेशियो से नहीं करेंगे, इसको अपन करेंगे किससे, ट्री मेथड से। ट्री मेथड जो होता है बिल्कुल एक सिंपल तरीका है और सब में लगने वाला तरीका है। ट्री मेथड कैसे होगा, देखो 16,000 रुपए इसको साइड में रखो, 2 साल की बात है, एक यहाँ पे फर्स्ट ईयर बनाओ, यहाँ पे सेकंड ईयर बनाओ, ट्री मेथड से कर रहे हैं। 16,000 रुपए पर फर्स्ट ईयर का यानी एक साल का 1% की ब्याज की दर से कितना लग जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगी यानी 160 रुपए। अब जितना फर्स्ट ईयर में लगेगा उतना ही सेकंड ईयर में लगेगा। भाई देखो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि पहले साल में जो ब्याज लगेगा वो तो सिंपल इंटरेस्ट ही लगता है, सेकंड साल में क्या लगता है, सिंपल इंटरेस्ट तो लगता ही है लेकिन उस सिंपल इंटरेस्ट पर थोड़ा और ब्याज लगेगा, यानी उसी ब्याज की दर से। भाई क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या होता है, फर्स्ट ईयर पे जो ब्याज लगा वो पड़ा रहेगा यहाँ पे, फिर इस वाले ब्याज पर भी उस वाली परसेंटेज से लगेगा, और इस वाली ब्याज पर उस वाली परसेंटेज से, दोनों जुड़ेंगे तब जाके सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो देखो 160 और फिर वापस इसको 160 लिखूंगा मैं, क्योंकि वही दर चलेगी, सेम चलेगा, लेकिन इस सेकंड ईयर पर इस वाले ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, ब्याज पर ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो 160 पर वापस से 1% की दर से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 1.6। चलो अब ये जो पूरा आ गया ना, ये जो पूरा है आपके पास, यही आपका 2 साल का क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अभी अपन 3 साल का भी करेंगे, लेकिन ट्री मेथड मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया है। देखो फर्स्ट ईयर का 160 कैसे आया, 1% लगा दिया मैंने 16,000 का, चलो, और 16,000 का 1% मैंने सेकंड ईयर को भी दिया तो 160 आ गया, लेकिन बस इतना थोड़ी रहेगा, ये जो 160 था, ये जो ब्याज था, वो सेकंड ईयर को और भी ब्याज देगा, किस दर से, सेम दर से, जितनी 1% दर है। तो अब ये कितना हो गया, 160 और 160 कितना हो गया, 320 पॉइंट, यहाँ पे आप जोड़ोगे 1.6 को अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 321.6 रुपए आपका क्या आ जाने वाला है, सीआई। ये जो पूरा आपका था ना डब्बा, वो सीआई हो गया। समझ में आ गया, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। ट्री मेथड भी मैंने 2 मेथड आपको समझा दिए, रेशो मेथड समझा दिया और ट्री मेथड समझा दिया। चलिए अब देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छी तरह से देखिए पढ़िए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16,000 रुपए पर 5% की दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो 3 साल का आ गया, 3 साल का अपन कर तो सकते हैं उससे, किससे, रेशो वाले मेथड से, इसको दोनों तरीके से कर लें क्या, देखते हैं कौन सा सरल पड़ता है। चलो देखो 16,000 रुपए है, 5% है, 3 साल है, ठीक है। अब मैंने पहले रेशो ले लिया, 5% को मैं लिख सकता हूँ 1/20, प्रिंसिपल और अमाउंट 20 से 21, भाई सही है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट 20 से 21, 3 साल की बात हो रही है, 20 से 21। अब इसमें क्या होता है कि आपको क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। अब 20 का क्यूब कितना होता है, 8,000 होता है, 21 का क्या होता है, 9,261 होता है। देखो 9,261, अब यहां से अपन को सीआई निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। 8,000 की वैल्यू अपने पास क्या है, 16,000, 8,000 रेशो जो है असलियत में 16,000 है, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 2, एक रेशो की वैल्यू 2 आ गई। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, यानी कि अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल को घटाऊंगा, कितना आ जाएगा, 1,621, सही है, देख लो 1,621, 9 में से 2 गया तो 9 में से 8 गया तो 1,261 रेशो क्या आ गया अपने पास, 1,261 रेशो सीआई आ गया। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यही पूछ रहा है। इस रेशो को मैं 2 से गुणा कर लूंगा, भाई 1,261 इंटू एक रेशो की वैल्यू 2 है ना, तो 2 से गुणा कर लो, कितना आया, 2, 2, 24 और 1, 25, यानी कि 2,522 रुपये आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया है।
ये भी आसान क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा था। देखो दर के ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ, रेशियो रेशियो से करना है अपन को। तो अपन कब करेंगे, जब अच्छी अच्छी परसेंटेज दे रखी हो, आपको समझ में आ रही हो। 5% का मतलब 1/20 होता है, 20 से 21, 8,000, 9,261 इनका अंतर था, 1261 था एक रेशियो की वैल्यू, 2 आई 1261 को 2 से गुणा किया, 2522 आपका आंसर आ गया। लेकिन देखो इसको ट्री मेथड से करते हैं तो देखते हैं कौन सा आसान पड़ेगा। ये वाला आपको देखो, ये आपने समझ लिया कि किस तरह से होगा। अब ट्री मेथड देखो एक बार फटाफट से हो जाएगा, ट्री मेथड से भी देखिए क्या होगा कि आपने प्रिंसिपल यहाँ पे रखा 16,000 रुपये, 1/20 है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। इससे क्या हो जाएगा कि आपको 3 साल का ट्री मेथड बनाना भी आपको आ जाएगा। तो देखो 1/20 है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, मैं यहाँ पे 1/20 करूंगा ना भाई पहले साल के लिए, तो कितना हो जाएगा, तो 16,000 का कितना हो जाएगा, 8,800 हो जाएगा। और वही फिर दूसरे साल में भी 800 मिलेगा उसी दर से, और उतना का उतना तीसरे साल में मिलेगा। ये तो हो गया एक लाइन पहले कंप्लीट हो गई अपनी। अब देखो यहाँ पर दूसरे साल पर पहले साल वाला ब्याज देगा, ये जो 800 रुपये है वो भी 5% से ब्याज देगा, कितना हो गया 5% से अगर इसको देगा तो ये 40 हो गया। अब ये जो सेकंड साल वाला है ये इसको ब्याज देगा, कितना देगा उसी दर से 1/20 से, कितना हो गया, ये हो गया 40, ठीक है। लेकिन ये वाला ब्याज जो है इसको भी तो देगा ना, देखो ये 800 का कितना हो गया 40, अब ये 40 वाला भी देगा 1/20, हर ब्याज अगले वाले को ब्याज देगा। 40 से 1/20 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो कितना हो गया, 800, 800, 800, 2400, 4, 40, 40, 40 कितने हो गए, 120, और 2 और जुड़ गया, यानी कि 2, 2, 5 और 2, वो आ गया ना 2522। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा, ट्री मेथड भी बता दिया गया है और रेशो मेथड भी बता दिया गया है, समझ में आ गया। देखो 800, 800, 800, ये तो क्या था 5% की ब्याज की दर से पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का ब्याज था। अब दूसरे साल में पहले साल वाला ब्याज देगा, 40 हो गया। लेकिन ये पहले साल वाला देखो इसमें क्या गलती की अपन ने इसको 2 बार दिला दिया ब्याज। देखो क्या है, अच्छी तरह से देखो यहां से लाइन कैसे बनेगी, पहले साल वाले ने इसको ब्याज दिया, लेकिन पहले साल वाला इसको भी तो देगा ना भाई। देखो पहले साल वाले ने इसको दिया है तो इसको भी देगा, तीसरे साल को भी तो देगा, तो 40 और 40, ठीक है। अब दूसरे साल वाले ने इस तीसरे साल वाले को दिया, देना पड़ेगा, और ये जो दूसरे साल का 40 रुपये था वो भी तो देगा, सारे ब्याज अगले वाले साल को ब्याज देंगे। इस तरह से ट्री मेथड बनता है, और भी आगे अपन करेंगे तो ट्री मेथड आपको समझ में आता रहेगा। उम्मीद करूंगा कि आपको यहां तक समझ में आया है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में ट्री मेथड लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आंसर वही आया सेम 2522। लेकिन अब देखते हैं आगे, आपको बताता रहूंगा मैं कि है ना, और भी अपन जब करेंगे ट्री मेथड से कैसे होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 साल का साधारण ब्याज आपको 1200 रुपये दे रखा है, ठीक है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 820 रुपये दे रखा है। तो ब्याज की दर याद कीजिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, 3 साल का अगर आपके पास 1200 रुपये ब्याज है, वो भी साधारण, ऐसा ही लिख दूं यहाँ पे साधारण ब्याज है, तो मैं कहूंगा आपको 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1200/3, क्योंकि भाई साधारण ब्याज है, हर साल सेम चलता है, तो 1200/3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 12 = 400 हो जाएगा। ये 400 रुपये क्या है, ये है आपका 1 साल का ब्याज, समझ में आ गया, 1 साल का ब्याज है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 साल का ब्याज आ गया आपके पास 400 रुपये, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, ब्याज दर पूछ रहा है, तो 1 साल का ब्याज है, मूलधन आपके पास, और एक चीज और क्या दे रखी है, 820 रुपये, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। चलो तो देखो 1 साल का ब्याज आपके पास साधारण ब्याज है 400 रुपये, और 2 साल का आपके पास क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 820 रुपये दे रखा है। चलो तो देखो, अगर मैंने अभी आपको ट्री मेथड समझाया, पहला साल, दूसरा साल, 2 साल की अगर बात होती है तो 3 डब्बे बनते हैं, एक तो ये वाला डब्बा, एक ये वाला डब्बा, और एक यहाँ पे बनता है, 3 डब्बे बनते हैं 2 साल के लिए, 2 साल के लिए बनते हैं, यानी कि ये और ये डब्बा सेम होता है, पहले साल का जो ब्याज होता है वही दूसरे साल का सेम, फर्स्ट वाली लाइन के अंदर ये दोनों सेम डब्बे बनते हैं भाई। अभी भी तो अपन ने किया था ना कि भाई मूलधन पर किसी भी दर से अगर यहाँ पर ब्याज जो होगा वही ब्याज यहाँ पे होगा, फिर यहाँ क्या होता था, इस वाले ब्याज पे थोड़ा सा और ब्याज लगता था ना। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, अब कह रहा है 400 रुपये 1 साल का ब्याज है, तो मैं यहाँ पे 400 लिख सकता हूँ, 1 साल का ब्याज है ना, मैंने निकाला ना अभी 1 साल का 400 रुपये, तो यहाँ पे 400, तो यहाँ पे 400 आएगा, 400 यहाँ पे आ गया, तो बचा क्या, यहाँ पे 820 टोटल है, टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना है, ये पूरा टोटल चक्रवर्ती ब्याज 820 रुपये है, तो 411 800 हो गया, और 20 यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो 411 411 20 11, 820 की कहानी अपनी टोटल कंप्लीट हो गई। अब क्या पूछ रहे, दर पूछ रहा है, दर निकालने में क्या है भाई, यहाँ पर 20 जो बना है वो यहाँ पर किसी ना किसी एक परसेंटेज से गुणा करने पर बना होगा, यानी कि 20 इस 400 का कुछ परसेंटेज होगा, वही इसकी दर हो जाएगी, है ना, कुछ नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से ये 5 बार कट गया, यानी कि 5% आपकी दर निकल के आ गई। उम्मीद करूंगा समझ में आया,
एक बार वो देख लो, कुछ नहीं था, 3 साल का साधारण ब्याज था 1200 रुपए, तो 1 साल का साधारण ब्याज 400 हो जाएगा। सिंपल है, 3 का बार लग गया। चलो अब 1 साल का साधारण ब्याज आपके पास 400 रुपए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि टोटल, इसमें साधारण ब्याज भी आ गया चक्रवृद्धि ब्याज भी आ गया, सारा का सारा मिलाकर 820 है। तो पहले साल का ब्याज 400 था, तो दूसरे साल का 400 होगा, लेकिन दूसरे साल का 400 नहीं होगा, कुछ और भी होगा। तो देखो टोटल कितना है, 820 है, तो 400 400 800 बचेगा 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली फर्स्ट ईयर का ब्याज तो है अपने पास 400 रुपए, लेकिन दो साल का, दूसरे साल का कितना हो जाएगा 420 रुपए। कोई पूछे आपका कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहेंगे 820 रुपए, लेकिन सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, केवल 400 रुपए। समझ में आई मेरी बात? यानी कि टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तो आपका है 820 रुपए, पहले साल का साधारण ब्याज है 400 रुपए, और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 400 ही होगा, सेम होता है पहले साल, तो दोनों सेम होते हैं। और अगर कहेंगे सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहेंगे 400, लेकिन सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, वो कहेंगे आप 420 रुपए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया, दर निकालना समझ में आ गई। ये जो 20 है, 400 का कुछ परसेंट होगा, वही उसकी दर होगी भाई, इस दर से ही तो कुछ हुआ होगा ना। चलो उम्मीद करूंगा आपको पांचवा क्वेश्चन समझ में आया। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपकी केवल कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, बाकी सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट से भी सिंपल है कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो देखो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे कह रहा है कि 2500 रुपए उधार लिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा यदि दर पहले साल 3%, दूसरे साल 4%, तीसरे साल 5% है। अब देखो इसमें थोड़ा सा पंगा है, पंगा मतलब क्या है कि पहले तो दर आपकी सेम थी, फर्स्ट ईयर में भी उतनी थी, सेकंड ईयर में भी उतनी थी, थर्ड ईयर में भी उतनी थी, लेकिन अब आ गई दर आपकी 3%, 4%, 5%। अब ये कैसे होगा, देखो फर्स्ट ईयर की बात करें तो 3%, सेकंड ईयर की करें तो 4%, और थर्ड ईयर की करें तो 5%। आपके पास वो कितना है, 2500 रुपए इसने उधार लिए हैं, ठीक है, 3 साल की बात है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। अब इसमें कुछ भी नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये सबसे पहले 2500 है, तो फर्स्ट ईयर में 2500 है जो कि 1 साल के बाद, 1 साल के बाद 3% की दर से ब्याज मिलेगा उसको, तो 3% की दर से कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा भाई, सही है कि नहीं है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 2500 पे एक बार ब्याज लग गया भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है पहले साल तो वही होता है, सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। तो 2500 पर 1 साल का ब्याज लगा 3% की दर से, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3% की दर से 75 रुपए हो गया ब्याज, ब्याज है ना। अब मैं कहूंगा कि 2500 के अंदर 75 और जोड़ दूंगा, कितना हो गया 2575 भाई। आगे जो ब्याज लगेगा, आगे जो ब्याज मिलेगा अपन को किस पे मिलेगा, केवल ब्याज पे थोड़ी मिलेगा, ना ही केवल मूलधन पे मिलेगा, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ने पर मिलेगा अगला जो ब्याज होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। चलो तो ये 2575, अब इस 2575 पर 1 साल और आगे बढ़ा रहा हूं, यानी कि सेकंड ईयर, सेकंड ईयर की अपने पास दर कितनी है 4% है, तो 2500 का 4% कितना हो जाएगा, यानी कि 2575 इंटू 1/25, क्योंकि 4% का मतलब 1/25 होता है, तो 25 से इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 25 या 75, 103, यहां तक आ गया आपका 103। अब देखो तीसरे साल की बात और कर रहा था, तो तीसरे साल की जब बात करेगा तो केवल 103 में थोड़ी लगेगा, 103 में 2575 और जुड़ेगा भाई, जो इसका यहां तक प्रिंसिपल है उसमें ब्याज जुड़ेगा, तो दोनों जुड़कर उसके बाद ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 2575 में 103 और जोड़ दो, कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 5 और 3 8 7 2678, सही है, देख लो 5 और 3 8 7 2678। अब ये जो 2678 है, अब देखो इधर 2678 है, वही 1 साल की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो तीसरा साल है वो इसका 1 साल की बात है, ब्याज दर है 5%, सही है। अब यहां पे जो ब्याज आएगा उसमें इन सबको जोड़ देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, देखो कितना ब्याज है, 5% की दर से निकालूंगा, 2678 बट्टा 5% की दर है, यानी कि 20 1/20 5%, तो ये 0 हटाकर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ, देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 0 हटा दिया ऊपर लग गया पॉइंट, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 13 2 3 6 और 2 9 18, सही है 133.9, तो यहाँ पर आ गया अपना 133.9। अब देखो क्या क्या जोड़ना है अपन को, केवल और केवल क्या पूछ रहा था अपन से, सीआई पूछ रहा था, तो देखो एक तो आ गया 75, एक आ गया आपका 103, एक आ गया आपका 133.9, तीनों को जोड़ दो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या करोगे, 103 और 75 आएगा यहाँ पे, और 133.9 यानी 0.9 तो चलेगा ही, 5 और 8 और 5 13 का 3 7 और 4 11 1 2 3, 313.9 रुपी इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, कुछ नहीं था ना, बिल्कुल सिंपल था, पहले मैंने 2500 लिया, 1 साल के लिए 3% पर कितना है 75 रुपए, अब 75 को मैंने इसके अंदर जोड़ दिया, 2575 हो गया, 2575 वापस 4% पे 103 आता है, फिर 103 को मैंने 2575 में जोड़ दिया, 2678 आ गया, 2678 को 1 साल के लिए 5% पे 133 आया, अब मैंने इसको 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 जोड़ दिया, क्योंकि ब्याज ही तो पूछ रहा था टोटल। चलो उम्मीद करूंगा समझ में आया है। अब सातवां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ऐसा कैसा क्वेश्चन है,
लेकिन इसको देखना अपन कैसे करते हैं, कर तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन देखो अगर आपको दर अच्छी लग रही है ना, यानी कि समझ में आ रही है, तो आप इसको रेशो से भी उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ाएंगे, देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, सातवां नंबर का, इसको आप जो पिछला क्वेश्चन है उसकी तरीके से भी करके करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको कर रहा हूँ अलग तरीके से, ताकि आपको ये वाली थिंकिंग भी डेवलप हो जाए कि आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि 8960 प्रिंसिपल आपका क्या है, 8960 8960। अब देखो इसमें वही बात है कि पहले 12.5% है फर्स्ट ईयर में, फिर आपकी 14 से 2/7 है सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपकी 10% है, ठीक है, बस और थोड़ी कुछ दे रखा है, बस कुछ नहीं दे रखा, 3 साल की बात कर रहा है, तीनों सालों में अलग अलग ब्याज दर है, ठीक है, तीनों सालों में अलग अलग ब्याज दर है। लेकिन इसको देखो मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, 12 से 1/2 1/8 होता है परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू, 14 से 2/7 1/7 होता है, और 10% 1/10 होता है। तो मैं कहूँगा प्रिंसिपल और अमाउंट का मैं रेशियो निकाल सकता हूँ, आसानी से निकाल सकता हूँ। फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ूंगा 9 प्रिंसिपल और अमाउंट, सेकेंड ईयर के लिए करूँगा 7 में 1 जोड़ूंगा 8, थर्ड ईयर के लिए 10 से 11। अब ये क्या है, ये क्या बन गया, कुछ नहीं है, रेशो काटना है अपन को, क्या कुछ कट रहा है तो काट दो, सामने सामने 8 से 8 कट गया, 10 तथा 70 11 9 99, ये क्या हो गया प्रिंसिपल और अमाउंट 3 साल तक का। तो देखो 70, ये 70 क्या है, इनिशियल अपना जो प्रिंसिपल है वही है, तो 70 रेशो बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 70 रेशो 8960 के बराबर हो जाएगा, एक रेशो आपका आ जाएगा 896/7, यानी कि 7 7 7 2 14 बचेगा 5 7 8 56, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 128 रुपये आ गई। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 99 में से 70 घटाओ 9 और 2 19 29 29 आ गया, तो ये क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 29 को आप इससे गुणा करोगे 128 से करोगे, कर लो गुणा कितना हो जाएगा। अब 29 देखो कितना होता है, 29 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 29 को मैं लिख सकता हूँ, कैलकुलेशन को ईजी करो, 58/2 लिख सकता हूँ, 58/2 लिख सकता हूँ ना, तो देखो 2 से कितनी बार कट गया, 2 6 12 और 2 4 8, यानी 64 को 58 से गुणा करना है, कर लो 64 को 58 से गुणा कर लो, 8 4 32 का 2 3, 8 6 48 48 और 3 51 और 5 4 20 का 0, 2 6 5 30 30 और 2 32, 2 1 7 3, यानी 3712। आपका इसका गुणा करने पर कितना आंसर आ गया, 3712, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए हो जाएगा, 3712। समझ में आया, कुछ नहीं किया, यहाँ से ये हटा दो रफ कैलकुलेशन को ताकि आपको समझ में आए। देखो क्या था कि प्रिंसिपल दे रखा था अपन को कितना, 8960, पहले साल की ये रही, दूसरे साल की ये रही, तीसरे साल की ये रही, तो फर्स्ट ईयर में 8 से 9, सेकंड ईयर में 7 से 8, थर्ड ईयर में 10 से 11, कुल मिला के 70 से 99 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 29, 70 की वैल्यू मैं रखूंगा 8960 के बराबर, तो एक रेशो की वैल्यू हो गई 128 को मैंने कुछ नहीं किया, 29 से गुणा किया है, 3712 आपका आंसर आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आठवां क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 2 साल का ब्याज आपको किसी परसेंटेज पर, यानी 5% पर, देखो इसमें थोड़ा सा कट गया है, क्या कह रहा है, किसी राशि पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 720 रुपए है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कुछ नहीं है। देखो 2 साल की बात कर रहा है अगर, और 2 साल का 720 रुपए है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा भाई, साधारण ब्याज तो हर साल समान होता है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 360 रुपए, ये क्या है, ये 1 साल का ब्याज है 360। अब देखो 2 साल की बात कर रहा है, तो 1 2 ट्री मेथड के अंदर 3 डब्बे बनते हैं, 1 2 3, अब ये 3 डब्बे क्या क्या होते हैं, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज होता है, ये सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये यहाँ पर क्या होता है, सेकंड ईयर का मिलने वाला फर्स्ट ईयर से ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है एक तरह से। तो चलो 360 रुपये क्या है, 1 साल का ब्याज है, तो यहाँ पर भी सेम ही होगा, 1 साल का, दूसरे साल पर देखो कितना है, मूलधन का अपन को पता नहीं है, मूलधन तो किसी पूछ रहा है शायद, मूलधन थोड़ी पूछ रहा है, केवल ब्याज पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो 360 पर अब बचा कितना है, देखो अपन को एक चीज और दे रखी होगी, 720 रुपये दर दे रखी है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो फर्स्ट ईयर का 360, सेकंड ईयर का 360 यहाँ पे आ गया, ये पूछ रहा है अपन से कैसे निकालेंगे, 360 इंटू 5% दर है अपने पास, 1/20 कर देंगे, 0 से 0 गया, 18 आ गया, यानी कि ये वाला डब्बा क्या है, 18 हो गया, है ना, दर दे रखी थी ना, तो टोटल क्या है, ये जो टोटल है वही तो चक्रवर्ती ब्याज है, तो ये हो गया 720 और 18 और जुड़ गया, 738 आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी, दर दे रखी थी इसके अंदर, यानी कि रेट आपकी दे रखी थी 5%, और 5% को मैं ले सकता हूँ 1/20, 2 साल का साधारण ब्याज 720, 1 साल का साधारण ब्याज 360, तो 1 साल का साधारण ब्याज 360, यहाँ पर भी 360, बचेगा ये डिब्बा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 320 पर 5% की दर से कितना आएगा, 18, टोटल जोड़ लो 738 आंसर, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए देखिए नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि कोई मूलधन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 साल में 840 रुपये हो जाता है, 2 साल बाद 882 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है,
एक साल के बाद मिश्रधन कितना है 840 है, और 2 साल के बाद मिश्रधन कितना है 882 है। देखिए आप सभी को पता होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके अंदर जो होता है ब्याज हो चाहे मूलधन और अमाउंट हो सब एक ही रेशो में चलते हैं, यानी कि जो दर होती है वो मूलधन और अमाउंट यानी दोनों के दोनों मिश्रधनों की भी जो रेट होगी वही होगी जो ब्याज से अगले वाले ब्याज की होगी, यानी कि दोनों के दोनों ये जो मिश्रधन है यानी ये है अमाउंट वन और ये है आपका अमाउंट टू, ये उसी रेशियो में होगा जिसमें इसकी दर होगी। देखो जैसे कि मैंने आपको बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि यहाँ पर एक फर्स्ट ईयर का ब्याज है, यहाँ सेकंड ईयर का ब्याज है, ठीक है, ब्याज से ब्याज लगता है उसी दर पे लगता है, और यहाँ से मूलधन पर जो ब्याज लगता है वो भी उसी दर पे लगता है। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये ब्याज में अगर मूलधन को मैं जोड़ता हूँ तो अमाउंट आता है, अमाउंट भी उसी दर से आगे बढ़ता है और आगे चलता रहता है, यानी दर तो सेम होती है ना। तो यानी कहने का मतलब कुछ नहीं है, इतना सा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए कि ये अमाउंट क्या है, ये एक साल वाला है 840, ये 2 साल बाद वाला है 842, कितना भी हो कुछ भी हो आपको इसका पहले रेशो निकालना है, उससे आपका क्या निकालना है, रेट निकालनी है, जिस रेशो में रेट होगी उसी रेशो में आपका क्या होगा, अमाउंट का रेशो होगा। चलो तो देखो किससे कट रहा है, ये कट रहा है आपका 2 से काटो इसको, 2 4 8 2 2 4 1 सही है, हाँ, और 2 4 8 2 4 8 1 ये 21 से कट जाएगा, 21 2 9 ये 0 है ना, सही है, 21 2 9 42 0 और 21 से 21 बार कट गया, ठीक है। तो रेशो क्या आ गया, 20 से 21 आ गया, कुछ नहीं है, एक का अंतर है यानी एक बढ़ रहा है एक, और किस पर, 20 पर इंटू 100, ये क्या निकल के आ गई दोस्तों, 20 5 100 5% की आपकी दर निकल के आ गई, 5% की दर निकल के आ गई, मूलधन और पूछ रहा है, तो मूलधन में क्या दिक्कत है, एक साल का मिश्रधन कितना है 840 है, 5% आपकी दर निकल के आ गई, तो 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या होगा 20 और 21। अब आप कहेंगे कि देखो प्रिंसिपल और अमाउंट को भी आप उसी रेशो में चला रहे हो जिसमें ये अमाउंट चल रहा था, हाँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की यही तो खासियत है कि जिस रेट से आपका प्रिंसिपल और अमाउंट चल रहा है उसी रेट से आपका प्रिंसिपल और सॉरी अमाउंट का रेशो चलेगा। देखो 0 साल कब होता है, जब आपने एक धन उधार लिया, यहां से एक साल का जो ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो आपको किस रेट में मिलेगा, किसी आर रेट में मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो चुका है भैया, यहां पर हो चुका है मूलधन और अमाउंट जुड़ चुका है, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट प्रिंसिपल और ब्याज जुड़ चुका है, यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंसिपल और ब्याज जुड़ चुका है, इसके बाद ये अमाउंट बन गया है। अब अगला वाला अमाउंट कितना होगा, उसी दर से चलेगा ना, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है कि उसी रेट से आपका अमाउंट भी चलता है, उसी रेट से आपका प्रिंसिपल और अमाउंट भी चलता है। तो 20 से 21 हो गया, 21 रेशो की वैल्यू कितनी है 840, तो 21 रेशो की वैल्यू अगर 840 है तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 40 हो गई, 40 हो गई, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 40 × 20 यानी 800 हो गया, 40 × 80 8000 हो गया, आपका प्रिंसिपल कितना हो गया 8000 रुपये हो गया। समझ में आया, कुछ नहीं था, मैंने रेशियो निकाला अमाउंट वन का अमाउंट टू का, क्या रेशियो आया 20 से 21 आया, दर निकल गई 5%। अब 5% दर है तो 20 से 21 हो गया पहले साल का, तो पहले साल का मिश्रधन कितना है 840, 21 रेशियो बराबर 840, 1 रेशियो बराबर 40, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 20 से गुणा कर लिया 8000 आ गया। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए, फिर इस सेशन को करते हैं अपन फाइंड आउट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5400 रुपये हो जाता है, 6 साल में 8100 रुपये हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। वही चीज इसमें काम आएगी जो मैंने अभी आपको चिल्ला चिल्ला के बताई कि एक बार 5400 हो रहा है 6 सालों में हो रहा है और 8100 रुपये हो रहा है कितने में, 3 साल और 6 साल, तो ये हो गया आपका 3 सालों में, ये हो गया आपका 6 सालों में, तीन सालों में कितना हो गया 5400, 6 सालों में हो गया 8100। चलो तो रेशो निकाल लो, रेशो कितना हो गया, देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 से कटेगा 9 और 9 = 81, 6 से 9, यानी कि रेशो आपका क्या आ गया 6 से 9, जिस रेशो में 6 से 9 ये चल रहा है 3 से 6 साल वाला, वही चलेगा आपका 0 से लेकर 3 साल वाला, समझते हो ना, यहां पर जो होगा 0 से 3 साल तक का जो चलेगा, देखो 3 साल में कोई धन यानी यहां पर 0 है, हटाओ यहां पर 0 करो इसको, यहां 0 है, 0वें साल से 3 साल तक कोई अपन का मिश्रधन कितना है 5400 रुपये है और 6 सालों में 8100 रुपये है, तो मैंने इन दोनों का रेशो निकाल लिया अमाउंट का, भाई वही रेशो इसमें चलेगा जो इधर रेशो चल रहा था, है ना, तो 5400 रुपये 8100 रुपये रेशो आया 6 और 9 का, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ और यहाँ का रेशो भी 6:9 ही होगा, हर कंडीशन में 6:9 ही होगा, तो यहाँ से देखो 6 और 9 होगा तो 9 रेशो की वैल्यू कितनी है 5400, 1 रेशो की वैल्यू कितनी जाएगी 600, तो आपका ये क्या है, ये 6 रेशो है, ये 6 रेशो है ना, तो 6 से गुणा कर लो 6 को 3600, तो आपका जो 0वें साल, 0वें साल का मतलब होता है कि प्रिंसिपल, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है आपका 3600 रुपये है, कितना है 3600 रुपये, समझ में आया।
कुछ नहीं था। देखो ये 3 साल के बाद मिश्रधन था, ये 6 साल के बाद मिश्रधन था, दोनों का अनुपात 6:9 है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अमाउंट का रेशो जिस रेशो में है वही आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो होता है। भाई ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो भी 6:9 में चलेगा। तो यहां पर 5409 रेशो के बराबर हो जाएगा, 6 और 9 में चल रहा है ना, तो 9:5400, 1:600, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 6:3600, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 3600। चलिए तो देखिए ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। देखिए काफी अच्छा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और जो आपके नए सेशन आएंगे नेक्स्ट वाले उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।